Hello students, good morning. We are continuing with quadrilaterals. Quadrilaterals में अब next question जो अभी हम लोग ले रहे हैं, इस question में diagram ले लो. The diagram is somewhat of this type. ऐसा कुछ है. A, B, C and D. और इसमें ये 50 degrees दिया है. This angle is 50, this angle is 100 degrees. And the bisector of angle A, ये bisector है angle A का और bisector angle B का. These two are meeting somewhere एट पी. ऐसा कुछ दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट. क्वेश्चन में यह पूछा हुआ है एपीबी, एंगल एपीबी निकालना है. तो अब इसको अच्छे समझना. इसमें यह चीज याद रखना कि एपी एंड बीपी These are angle bisectors. ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. तो अभी हमने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा. I've just written down the facts which are given. आप एंगल एपी भी निकालने के लिए अब हम लोग देखो क्या कर सकते हैं. सपोज वी आर नेमिंग दिस एज वन, दिस एज टू. इस वाले एंगल को अभी हम लोगों ने वन नाम दे दिया और इस वाले एंगल को ये टू नाम दे दिया. तो अब इसमें अभी हम लोग कह सकते हैं इन ट्रायंगल एपीबी एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल पी इज इक्वल 180. एक तो ये यूज होगा. अपन इस पर बाद में आएंगे. अब वी नाउ वी टेक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल्स का एडिशन 360 डिग्री है. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये 360 है क्योंकि सम ऑफ ऑल दी फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ये 360 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी को आपने क्या लिख लिया 100. सी की वैल्यू 100 है, डी की वैल्यू 50. ये चारों मिलाकर 360 आएगा और इससे एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू 360 माइनस 150. ऐसा कुछ आएगा. और ये एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू 210. एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी 210 डिग्री आएगी. ठीक. अब देखना इसको ध्यान से. एंगल ए को क्या लिख सकते हैं. एंगल ए ये पूरा एंगल ए है ऐसा कुछ और इसका ये बाइसेक्टर है. तो अब हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं एंगल ए अगर ये बाइसेक्टर है मतलब ये है अगर ये एंगल ए है तो इस एंगल को अभी हम लोग ट्वाइस ऑफ एंगल वन लिख सकते हैं. This is what twice of angle one और angle B को twice of angle two लिख सकते हैं. ऐसा क्यों लिख सकते हैं, इसका reason क्या है. क्योंकि these are bisectors. ये जो है AP जो है that is the bisector. एपी इज द बाइसेक्टर. बाइसेक्टर है मतलब वन और थ्री इक्वल होंगे. अगर इसमें किसी को दिक्कत जाए तो अभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल ए. एंगल वन प्लस एंगल थ्री को एंगल ए और वन और थ्री बराबर हैं.
वन की जगह थ्री लिख सकते हैं, थ्री की जगह वन लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, ट्वाइस एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल ए। तो एंगल ए की जगह अभी हम लोगों ने ट्वाइस एंगल वन लिखा हुआ है। अब इसके बाद एंगल बी को अभी हम लोग ट्वाइस एंगल टू लिख सकते हैं, ये लिख दिया इज इक्वल टू व्हाट 210। अब इससे एंगल वन प्लस एंगल टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल वन प्लस एंगल टू टू से डिवाइड करके दिस विल बी इक्वल टू 105। एंगल वन प्लस एंगल टू को 105 लिख लिया, ये 105 आ गया प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी। कंप्लीट कर लो जल्दी से, फिर अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हो गया बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16th वाला, एबीसीडी दीज आर फोर एंगल्स and these angles are in the ratio of 1:2, angles are in the ratio of 1:2, 2:2, 4:5। किसी quadrilateral के जो angles हैं उनका ratio दिया 1:2, 2:2, 4:5। you have to find out the angles। करो बेटा जल्दी से। इसमें एंगल्स अभी हम लोग अज्यूम कर सकते हैं एक्स, वन एक्स, टू एक्स, फोर एक्स एंड फाइव एक्स। और चारों एंगल्स को ऐड करने पर बेटा वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव एक्स की वैल्यू 360 डिग्रीज आएगी। और इनको ऐड करने पर वन प्लस टू थ्री, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, तो 12x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाय 12। देखो जरा, कहाँ
ठीक है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्रीज, तो 30, 60, 120 एंड 150 ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, अब नेक्स्ट सेवनटींथ वाला भी थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सीओ एंड डीओ आर दी बाइसेक्टर्स, सीओ और डीओ आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ओ, सॉरी एंगल सी एंड एंगल डी। एंगल सी ओ डी आपको प्रूव करना है, एंगल सी ओ डी इज हाफ ऑफ, दिस इज सिमिलर टू 15 प्रॉब्लम, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी। लेकिन डिफरेंस एक ये है कि यहां पर वैल्यूज जो है आपको दी नहीं है। ठीक है, कोशिश करो, आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट टाइम, जल्दी। अब इसे फिर से अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा, इसको 3, इसको 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि ये बाइसेक्टर है। रीजन अभी आप लिखते जाना, डीओ इज दी बाइसेक्टर, डीओ इसका बाइसेक्टर है। फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका रीजन क्या है, सीओ इज दी बाइसेक्टर। अब एंगल डी को क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ध्यान से देखना, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब क्या करोगे ध्यान से, 1 की जगह अभी हम लोग 2 लिख सकते हैं, 1 की जगह 2 लिख दिया, और 2 लिखा ही हुआ है, 1 की जगह अभी हम लोगों ने 2 लिख दिया क्योंकि 1 और 2 बराबर है। तो इसको अभी हम लोग क्या लिख लेंगे, ट्वाइस एंगल 2। अब एंगल सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4, और इसको एंगल 3 प्लस 4 की जगह भी 3 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस एंगल 3, ये आ गया। अब इसके बाद और क्या कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 है, ए बी ऐसे ही लिख लिया, सी की जगह, सी की जगह क्या लिखोगे बेटा, सी की जगह ट्वाइस एंगल 3, और डी की जगह ट्वाइस एंगल 2। अच्छे से समझ लो, कहीं पर अगर दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ, इसमें देखो बेटा, Q
किया अभी हम लोगों ने यही है, डीओ जो है इसका एंगल बाइसेक्टर एंगल डी का है ना, तो इसे वन और टू इक्वल है तो डी की जगह डी जो है वन प्लस टू है, डी की जगह वन प्लस टू लिखा और वन की जगह टू लिख दिया, वन की जगह टू लिख दिया, टू एज इट इज कॉपी कर दिया, तो मतलब ये टू प्लस टू आया, एंगल टू प्लस टू, एंगल टू प्लस एंगल टू विल बी ट्वाइस एंगल टू। बहुत सिंपल सी चीज है, देखो बेटा इसको भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर ये बाइसेक्टर है इसमें से अगर एक एंगल 30 डिग्री से, तो पूरा एंगल अगर बताना है तो पूरा एंगल इसका डबल हो जाएगा, ऐसे ही अभी हम लोगों ने बोला है। एंगल डी अगर आपको बताना है, एंगल डी जो है डबल ऑफ एंगल वन कर लो या डबल ऑफ एंगल टू, तो एंगल डी को डबल ऑफ एंगल टू लिखा। ऐसे ही एंगल सी को, इसका ये बाइसेक्टर है, ये मान लीजिए 10 डिग्री से पूरा एंगल बताना है तो 20 आ जाएगा, डबल करना पड़ेगा। मतलब एंगल सी अगर आपको बताना है तो डबल ऑफ एंगल थ्री या डबल ऑफ एंगल फोर, तो डबल ऑफ एंगल थ्री ऐसा लिख लिया। उसके बाद कुछ नहीं किया, उसके बाद चारों एंगल्स का एडिशन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना 360 डिग्रीज है। ए और बी ऐसा ही लिखा रहने दिया, सी की जगह ट्वाइस एंगल थ्री लिखा और डी की जगह ट्वाइस एंगल टू लिखा, सॉरी ट्वाइस एंगल टू, हाँ ये गलती सुधर गई इस बहाने। अब देखो अब इसमें से टू कॉमन ले लें, एंगल टू प्लस क्या लिख सकते इधर, अच्छे से देख लेना बेटा, साथ में करते जाओ भले, नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया, अब देखो आगे की स्टेप, अब ट्राइंगल सीओडी को देखो, ये तो अभी यहीं पर ऐसा छोड़ रहे हैं, इसको नंबर वन दे दिया सपोज, सीओडी में देखो कौन कौन से एंगल्स का एडिशन 180 आएगा, एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल ओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो अच्छे से बेटा। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसमें टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, क्यों कर रहे हैं हम बोल रहे हैं इसलिए नहीं, क्योंकि डबल ऑफ एंगल टू प्लस एंगल थ्री चाहिए, एंगल टू प्लस एंगल थ्री तो आ गया लेकिन टू टाइम्स चाहिए, तो अभी हमने क्या लिखा, टू एंगल टू प्लस टू एंगल थ्री प्लस टू एंगल ओ इज इक्वल टू 360। अब इसमें इसकी वैल्यू निकल आएगी, किसकी वैल्यू, टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 विल बी इक्वल टू 360 माइनस 2 एंगल ओ, इसको उधर ले जाकर लिख दिया। अब अच्छे से देखना बेटा इसको और इसको, क्या दिख रहा है, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 कॉमन लेकर लिख दें, क्या ये टू कॉमन लेकर लिख दिया, 360 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ, मतलब ये डबल ऑफ एंगल टू प्लस एंगल थ्री, डबल ऑफ एंगल टू प्लस एंगल थ्री, इसको हटा दो, क्या लिख दो, 360 माइनस डबल एंगल ओ।
अब हम लिख दे रहे हैं इसको, ये देखो ये कॉपी कर रहे हैं, एंगल ए लिख लिया, अच्छे देखना एंगल बी लिख लिया, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, टू टाइम्स एंगल टू प्लस एंगल थ्री, टू टाइम्स एंगल टू प्लस एंगल थ्री की जगह क्या लिख लोगे, 360 माइनस ट्वाइस एंगल टू, राइट साइड में कितना है 360, लो आंसर आ गया, ध्यान से देखो, एंगल ए प्लस एंगल पी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ओ, एंगल ओ अगर निकालना है तो कैसे मिलेगा, कर लो इसको कंप्लीट जल्दी से, एक मिनट बोल, हो गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अब हम लोग, हम लोगों ने एक चीज तो पढ़ ही ली थी, क्या कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज एन माइनस टू इंटू 180, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स n माइनस टू इंटू 180 होगा, ठीक। अब अगर ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, इसका भी अभी हमने फॉर्मूला बनाकर दे दिया है, ईच इंटीरियर एंगल विल बी n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, अब इसमें 18th में क्या किया हुआ है, 18th में इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, दिस इज गिवन, और आपको एन निकालना है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स निकालना, बताते हैं अब हम आपको, देखो इंटीरियर एंगल अगर 160 है इंटीरियर एंगल अगर 160 है तो इसका फॉर्मूला लगा दू, कितना n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, देखें क्या आता है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 16n विल बी इक्वल टू 18n माइनस 36, ऐसा कुछ आएगा,
करो सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए ये यहां पर आएगा, ये यहां पर, तो कैसा लिखेंगे, 36 इज इक्वल टू 18n माइनस 16n, मतलब 36 विल बी इक्वल टू 2n। निकाल लो इसमें n की वाली, दो प्रॉब्लम और दे दे रहे हम। 135 में n कितना आएगा, 175। अगर हर इंटीरियर एंगल 135 है तो n कितना आएगा वो निकालना है। दूसरा एक और है, जल्दी से करके बताओ दोनों। एक में 162, तीन प्रॉब्लम्स हैं, जल्दी से। आया किसी का एकांत? n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 135 दिया है। अब सिंप्लीफाई कर लू, कैसे करोगे, 15 से ये कैंसिल होगा, 15 वन जा 15, 3 30 में 15 टू जा, और ये 15 कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स। तो 12n माइनस 24 इज इक्वल टू 9n, ऐसा कुछ आएगा। करो सॉल्व जल्दी से, कितना आ जाएगा, 12n माइनस 9n इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट वाला करो बेटा, जरा देखें अब बनना चाहिए अगला वाला, क्योंकि हमने दो कर दिए हैं, जल्दी करो फिर अभी हम करके देते हैं। 175 में कितना आ रहा है, डू इट फास्ट। आया किसी का बेटा? n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n की वैल्यू 175 दिया है। अभी तक आ जाना चाहिए बेटा, 15 से कैंसिल होगा, फिर से ये 12 आएगा, 15 वन जा, अच्छा 15 से नहीं जा रहा है ये, फाइव से जाएगा, फाइव थ्री जा 15, सिक्स जा 5 3 15 5 5 25। अब ये कितना आ जाएगा, 36 इंटू एन माइनस टू इज इक्वल टू 35 एन।
जल्दी सॉल्व करके बताओ बेटा कितना आ रहा है। अभी तक आंसर नहीं आया यार, क्या बात है। ये आ जाएगा 36n माइनस 35n इज इक्वल टू 72। 72 उस तरफ चला गया तो ये n इज इक्वल टू 72 आ गया। ठीक, बिल्कुल सही। लास्ट एक क्वेश्चन 162, जल्दी करो, ये बहुत जल्दी होना चाहिए। n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, इसकी वैल्यू 162। 9 से कैंसिल हो रहा गया, 9 टू जार 9, 1 जार 9, 7 n इक्वल टू 10 आ रहा बेटा। देखो जरा फिर से देखो, 20n माइनस 40 इज इक्वल टू 18n, 20n माइनस 18n इक्वल टू 40, ऐसा कुछ आएगा। हाँ शायद किसी ने अभी आंसर सही दिया। सो दिस विल बी 2n इज इक्वल टू 40, n की वैल्यू 20 आएगी। ठीक है, that's all for today.